सांभर चीरा एक ऐसा हेल्दी साग है जिसे आप पूरे साल खा सकते हैं। पालक की तरह ये दिखने वाला साग बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आलू बैगन और सांभर चीरा पालक की सब्जी की रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे सांभर चीरा साग को अच्छे से चुन लिया है, इसके खराब पत्ते को अलग कर दिया है और इसके सारे डंठल को मैंने ग्रो करने के लिए अलग कर दिया है। वैसे आप चाहे तो डंठल के साथ ही इस पालक को कट कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट डंठल होता है। तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से इस पालक को धोएंगे। कोई से भी साग में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा लगी होती है, तो सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छे से इसे धोना है। आप देख सकते हैं मैं कितनी बार इसे धो रही हूँ। तो कई बार हम पानी चेंज करते हुए इसे धो लेंगे। आप देख सकते हैं सारे पालक को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। सांभर चीरा को इंग्लिश में वाटर लीफ भी कहा जाता है। वैसे बहुत सारे नाम है सांभर चीरा पालक के, आपकी तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख सकते हैं पालक को मैंने अच्छे से धो लिया और थोड़ी देर रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो चलते हैं अब इसे कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बैगन, पालक और आलू ले लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। पालक को हमें रफली कट करना है क्योंकि सब्जी में डालते ही ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक आलू को मैंने 4 टुकड़े में कट किया है। प्याज और टमाटर मैंने ले लिया है, इसके साथ मैंने ये बैगन को देखिए लंबे टुकड़े में कट कर लिया है। तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से बैगन को कट कर सकते हैं। इसके डंठल बहुत ही हरे थे तो मैंने डंठल के साथ ही बैगन को कट कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप अपनी पसंद के किसी भी कुकिंग ऑयल में से बना सकते हैं। इसमें डालेंगे मेथी, जीरा और 1 सूखी मिर्च। जैसे जीरा मेथी का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 1 मीडियम साइज के प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है। रफली कट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हमें प्याज के साथ थोड़ी देर भून लेना है। जैसे ही आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बैगन। बैगन डालने के बाद आलू के साथ अच्छे से हमें भून लेना है। जैसे सब्जी थोड़ी सी भून जाए तो ये देखिए इस तरीके से हम सब्जी के बीचों बीच गैप बना लेंगे। फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको लहसुन अदरक प्याज वगैरह नहीं पसंद है तो आप इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भून जाएगा। फिर सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। अच्छे से जब सारी सब्जियां भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली है, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग, इसके साथ ही सब्जी मसाला। सारे मसाले को हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। सारा कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करते हुए भून लेना है। सब्जी को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सांभर चीरा पालक। आलू बैगन सोयाबीन की सब्जी या फिर आलू बैगन की सब्जी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं सारे पालक को मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। सांभर चीरा यानी कि वाटर लीफ एक ऐसी सब्जी है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिलिकॉन पालक, फ्लोरिडा पालक, सुरिनाम पार्सलेन, कैरीरू और टेलिनियम फ्रूटिकोसम, इतने ढेर सारे नाम है इस पालक के। तो आप देख सकते हैं सब्जी को मैंने पालक के साथ अच्छे से भून लिया है और थोड़ी देर ढक के भी भूना है ताकि जो सब्जी है हमारी जल्दी से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है या फिर कोई सी भी सब्जी बनानी है, सूखी सब्जी बनानी है, तो इस टाइम पे आप पानी ना डालें। लेकिन मैं इसे सेमी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच इसे चलाते रहना है, चेक करते रहना है। सब्जी जब हमारी 40% पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जिसे हमने रफली कट किया है और हरी मिर्चें। इस टाइम पे टमाटर डालने से टमाटर का जो कलर है मेंटेन रहता है। वैसे टमाटर तो अभी बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ है इसलिए मैं 1 डाल रही हूँ। वैसे आप इसमें 2 टमाटर डाल सकते हैं। अच्छे से टमाटर को मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे इसे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। आलू कितनी आसानी से कट रहा है, इसका मतलब है सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया से पक गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सब्जी दिख रही है। अब इसे बारीक कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे और टमाटर भी हमारा दिख रहा है। इसीलिए टमाटर मैंने सब्जी पकने के बाद डाला था ताकि टमाटर जो है हमारा दिखे और सब्जी बहुत ही बढ़िया सी कलरफुल दिखे। आप देख सकते हैं मुँह में पानी ला देने वाली सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को रोटी, पूरी, पराठे, चावल के साथ खाइए। सभी के साथ ये जो सब्जी है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार
मजेदार लगती है। आपको आलू बैगन सांभर चीरा पालक की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप कहां से ये रेसिपी देख रहे हैं वो भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने कभी इस तरीके से सब्जी बनाई है या नहीं बनाई है वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे हरे धनिया से डेकोरेट कर लेते हैं ताकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग लगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।